दोस्तों स्वागत है आपका रियल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रियल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके से जो डेली वीडियोज है वो मिलती रहती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट बात के लिए। काफ़ी समय से जो पोल का क्वेश्चन था वो हमने बंद कर दिया था, तो क्या लगता है आपको जो पोल वाला क्वेश्चन है वो दोबारा से लाना चाहिए? हालांकि अब जो पोल है वो आपको वीडियो के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो कार्ड है वो यूट्यूब ने बंद कर दिया है, तो मुझे कम्युनिटी पोस्ट करना पड़ेगा। तो कम्युनिटी में ही आपको जो अपने वोटिंग है वो करनी पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको, रेडी हैं आप सब इसके लिए? तो डेफिनेटली इसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो फिर जैसा भी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत ही जल्द हमारे रेल अपडेट के 400 एपिसोड कंप्लीट होने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एपिसोड हमारे हो चुके हैं अब तक पूरे यूट्यूब पर। तो बात कर लेते हैं आज सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आती है स्पीड ट्रायल को लेकर। आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गया के बीच में कल 160 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से जो ट्रायल्स हैं वो होते हुए दिख जाएंगे। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर 160 की रफ्तार से जो ट्रेन है वो चलेंगी। हालाँकि अभी जो ये स्पीड ट्रायल हैं वो दिए जाएंगे, ओनली ट्रायल्स हैं, देखा जाएगा किस तरीके की यहाँ के जो ट्रैक हैं वो हैं, उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से इनको मॉडिफाई करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं ये जो ट्रैक है ये जल्द ही 160 हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है गोरखपुर इलेक्ट्रिक लोको शेड को लेकर। इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है, और यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लोको को ठीक किया, मतलब जो मरम्मत है वो की जा सकेगी, तो काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। अब एक और नया जो इलेक्ट्रिक लोको शेड है वो हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रिटायरिंग रूम को लेकर। अभी जो रिटायरिंग रूम थे मैंने आपको बताया था कुछ कुछ स्टेशन पर खोले गए थे, तो अभी भोपाल रेलवे स्टेशन पर जो रिटायरिंग रूम है उनको बंद कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि भोपाल पर ही किया गया है, और भी रेलवे स्टेशन होंगे जहाँ पर आपको जो रिटायरिंग रूम की व्यवस्था है वो हो सकता है ना देखने को मिले, क्योंकि इसके ऊपर डिसीजन लिया गया है कि इनको जो बंद है वो कर दिया गया है। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं, अगर आप बुक कर लिए थे तो हो सकता है आपका जो रिटायरिंग रूम है वो कैंसिल होकर आपका रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपने बुक नहीं किया था तो आप बुक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है ट्रेन ऑपरेशन को लेकर। जैसे कि हम सब जानते हैं अब ट्रेन जो आपको जम्मू तभी तक देखने को मिलेंगी, और अब आप अगर जम्मू तभी जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना, आप जम्मू तभी से जब एग्जिट करेंगे तब आपका जो कोरोना टेस्ट है वो होगा। यहाँ पर अभी जितने भी यात्री पहुँचे हैं उन सबका कोरोना टेस्ट हुआ है, उसके बाद ही उनको एग्जिट करने की जो परमिशन है वो दी गई है। तो इसके लिए आप तैयार रहना, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तभी आप ट्रैवल करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि हो सकता है आप इतनी दूर जाकर फंस जाएँ। तो उससे अच्छा तो यही है कि आप ट्रैवल ना करें। अगर आपका टिकट है आप स्वस्थ नहीं है तो टिकट आप कैंसिल करा सकते हैं, उसमें हो सकता है आपका ज़्यादा बेनिफिट हो। अदरवाइज़ आप ऐसी जगह जाएँ जैसे जम्मू तभी हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हुआ, लखनऊ हुआ, और इसी तरीके से धनबाद हुआ, और बहुत सारे टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेलवे स्टेशन अब ऐसे हैं जहाँ पर जो कोरोना का टेस्ट है वो हो रहा है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर ही अपनी जो यात्रा है वो कीजिएगा, जिसके चलते आप अपने यात्रा को काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बना पाएँ। तो ये जो अपडेट है फिलहाल निकल कर आती है जम्मू तभी रेलवे स्टेशन से लेकर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है जबलपुर गोंदिया रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर आपको जल्द ही एक MEMU ट्रेन देखने को मिल जाएगी। इसके लिए जो प्लानिंग है वो कर ली गई है, एक रैक आया है अभी जो कि टोटल मिला के 8 कोच का है, और इसके ट्रायल्स वगैरह लिए जाएंगे, उसके बाद में आपको जल्द ही यहाँ पर एक MEMU ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। हालांकि हम सब जानते हैं अभी पैसेंजर ट्रेनों का ऑपरेशन तो हुआ नहीं है, तो जब होगा तभी ये आपको देखने को मिलेगी, बट जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर लेते हुए दिख जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ से निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है हटे बाजरे एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है आपको देखने को मिल जाएगी जल्द ही, यानी कि 1 दिसंबर से ये ट्रेन चलने वाली है। फाइनली ये ट्रेन दो तरीके से चलती है, मतलब इसके दो रूट हैं, जिसकी वजह से एक ट्रेन जो कि 031169 नंबर के साथ देखने को मिलेगी, यानी 6 लाइन, और एक ट्रेन आपको 031163 ट्रेन नंबर के साथ देखने को मिल जाएगी। तो आप इन ट्रेनों में जो बुकिंग है वो जल्द ही करा पाएंगे, तो इनकी जो बुकिंग है आप करा सकते हैं अगर आपको सीट नहीं मिल रही थी। बेसिकली ये ट्रेन सहरसा और या फिर सहरसा सियालदा इनके बीच में ऑपरेट होती है, तो ये ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती सहरसा से लेकर। सहरसा का जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है उसको अभी ठीक किया गया था, तो अभी यहाँ पर पता नहीं किस तरीके से जो काम था वो किया गया कि जो प्लेटफॉर्म है वो ही धस गया है, तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। हालांकि अच्छी बात यही है कि कोई भी यहाँ पर नहीं गिरा, क्योंकि अगर गिरता तो उसके चोट वगैरह भी लग सकती थी, तो इस तरीके की कंडीशन बन गई है, मतलब पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया, जो काम था वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, तभी हमें जो घटना है वो देखने को मिल पाई है।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है सोलर पैनल को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो रेलवे की खाली जगह है वहां पर रेलवे सोलर पैनल लगाएगा, तो इसी के लिए उसने जो बेड थी वो बुलाई थी, लेकिन इसमें किसी भी कंपनी ने अच्छी तरीके से जो इंटरेस्ट है वो नहीं दिखाया है। बहुत गिनी चुनी लगभग आई थिंक 5 से 6 कंपनियों ने ही इसमें जो इंटरेस्ट है वो दिखाया है। तो इसे चलते रेलवे ने अपनी जो बेड है वो आगे एक्सटेंड कर दी है, आगे फिर से जो बेड है वो बुलाई जाएगी, देखते हैं क्या होता है। हालांकि लोगों का इंटरेस्ट ट्रेन ऑपरेशन में ज़्यादा है कंपेयर टू ऐसे प्रोजेक्ट। सबका ध्यान इस समय बस यही है कि कैसे भी करके वो अपनी जो ट्रेन है वो भारतीय ट्रैक पर चला दें। बाकी देखते हैं अभी और हमें क्या रेलवेज में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी इसकी जो बेड है वो एक्सटेंड हो गई है, देखते हैं इस प्रोजेक्ट को कौन अपने हाथों में लेगा और कौन रेलवेज को जो ये सोलर प्लांट है वो लगाकर देगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, 026-05 और 026-06 ट्रेन नंबर के साथ चल रही चेन्नई और कराईकुडी जंक्शन के बीच ऑपरेट होने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है आपको इसमें जो बदलाव है वो 30 यानी कि 30 नवंबर से देखने को मिल जाएगा। इसकी जो टाइमिंग है वो 30 नवंबर से थोड़ी थोड़ी बदली जा रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको दिखाई दिया है स्क्रीन पर, आप चाहें तो इसका जो स्क्रीन शॉट है वो ले सकते हैं। इसके अराइवल डिपार्चर में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, तो आपकी ट्रेन ना छूटे इसलिए आप इनका जो ध्यान है वो रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं सुशासन एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। सुशासन एक्सप्रेस ट्रेन जिसको ऑपरेट किया जाता है ग्वालियर और बलरामपुर के बीच में और जिसको बाया गाजियाबाद निजामुद्दीन होकर ऑपरेट किया जाता है, तो ये जो ट्रेन आपको वो फाइनली 26 नवंबर से देखने को मिल जाएगी। 26 है ये आएगी आपको देखने मिलेगी बलरामपुर से और 25 को ही आपको ग्वालियर से देखने को मिल जाएगी, ऐसी जो न्यूज़ है वो निकल कर आती है। ये जो ट्रेन है 041-99 ट्रेन नंबर के साथ चलने वाली है और ये जो ट्रेन है LHB कोचों के साथ चलेगी। अभी पीछे अगले कुछ ही दिन पहले मतलब लास्ट ईयर ही LHB हुई थी और आपको अब LHB कोचों के साथ ये देखने को मिलेगी, तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। आप इस ट्रेन का जो फ़ायदा वो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेन है, काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी देती है। हालांकि टाइमिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि ट्रेन बाया मुरादाबाद होते हुए गाज़ियाबाद निज़ामुद्दीन होकर पहुँचती है, जिसके चलते थोड़ा लंबा रूट हो जाता है, बट इसकी वजह से ही ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो मिल पाती है मुरादाबाद को आगरा तक की। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एक ब्लॉक को लेकर। लक्सर और हरिद्वार के बीच में जो डबलिंग है वो की जा रही है, तो फिलहाल लक्सर हरिद्वार की जो डबलिंग है उसके लिए यहाँ पर जो ब्लॉक है वो लिया जा रहा है। 24 से लेकर 27 नवंबर तक यहाँ पर जो ब्लॉक है वो रहेगा, 7 घंटे का जो ब्लॉक है वो लिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें नई दिल्ली और देहरादून के बीच ऑपरेट होने वाली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। इसी तरीके से जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि देहरादून और काठगोदाम के बीच में ऑपरेट होती है, और इसी तरीके से जो ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। तो ये जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल रहने वाली हैं, आप इनका जो ध्यान है वो रख सकते हैं, जिसके चलते आपको जो परेशानी है वो ना हो। तो ये जो ट्रेनें ये कैंसिल रहेंगी 24 से लेकर 27 नवंबर तक। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, मुंबई छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ पर सैनिटाइजिंग मशीन लग चुकी है और ये है UV रेज बेस्ड, यानी यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ी जाती हैं जिससे जो कोरोना वायरस है वो मर जाता है। तो यहाँ पर बैग इस तरीके से जो सैनिटाइज है वो किया जा रहा है, तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। और कितने जगह हमें देखने को मिलेगी वो तो हमें मतलब कुछ समय बाद में और भी जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये जो मशीन है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं हॉल्ट रेलवे स्टेशन को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं जो हॉल्ट रेलवे स्टेशन होता है वहां से रेलवे की बहुत कम कमाई होती है, इसी के चलते वो हॉल्ट रेलवे स्टेशन होते हैं। तो अभी रेलवे ने प्लानिंग कर रही है कि जो हॉल्ट रेलवे स्टेशन होंगे वहां पर आपको जो टिकटिंग है वो निजी हाथों में देखने को मिल जाएगी, यानी कि यहां पर बैंडर वगैरह रखे जाएंगे, वही जो टिकट है वो देंगे, यानी कि यहां पर कोई भी रेलवे का एम्प्लॉई है वो नहीं रहेगा। तो इससे साफ साफ रेलवे को काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर ज्यादा टिकट बिकते नहीं है और जो बैंडर होते हैं वो कमीशन बेस्ड होते हैं, यानी कि जितने वो टिकट बेचेंगे उतना ही उनको कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से रेलवे को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि सैलरी काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, तो ओवरऑल रेलवे को यहाँ पर फायदा हो जाएगा और साथ ही कुछ लोगों को यहाँ पर जो जॉब है वो भी मिल जाएगी, तो ओवरऑल दोनों तरफ से बैलेंस बन जाएगा, काफ़ी अच्छी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। और हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर आपको ये जो बदलाव है वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, यानी कि जब भी पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी आपको ये जो बदलाव है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है आगरा मेट्रो को लेकर। आगरा मेट्रो का जो शिलान्यास है वो 1 दिसंबर को कर दिया जाएगा, यानी कि 1 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा डिजिटली कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का
तो ये काफ़ी अच्छी बात सामने निकल कर आती है कि भाई जल्द ही आपको आगरा मेट्रो का जो रियलिटी वाला वर्क है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो बैरिकेडिंग थी वो कर दी मैंने आपको कल भी बताया था। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा इतवारी और हावड़ा के बीच में चलने वाली किसान रेल को लेकर, ये जो किसान रेल है ये 25 नवंबर को चल रही थी, लेकिन अब इसको 2 दिसंबर को चलाया जाएगा। तो 2 दिसंबर 2020 को ये जो किसान रेल है वो चलने वाली है, तभी आप इसका जो फायदा है वो ले पाएंगे। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।